आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। वेतन नहीं मिलने के कारण तख्तपुर नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों का काम बंद। तख्तपुर नगरपालिका इन दिनों आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। स्थिति यह है कि सफाई कर्मचारियों को भी वेतन नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते सफाई कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी की काफी समस्या आ रही है। वेतन भुगतान न होने के कारण दो दिन से तख्तपुर नगर की सफाई व्यवस्था बंद है। तख्तपुर नगरपालिका इन दिनों अपनी ही दुर्दशा के आंसू रो रहा है। बरसों से बिना व्यवस्था के चल रहा तख्तपुर नगरपालिका में कर्मचारियों को देने के लिए पैसा ही नहीं है। नगरपालिका के कई दर्जन सफाई कर्मचारी, जो कि बरसों से अपना कार्य ईमानदारी से करते आ रहे हैं, इन्हीं गरीब कर्मचारियों को विगत कई माह से वेतन नहीं दिया जा रहा। मजबूर होकर सफाई कर्मचारी नगरपालिका कार्यालय में धरने पर बैठकर अपने वेतन की मांग कर रहे हैं। नगरपालिका द्वारा कई माह से वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते सफाई कर्मचारियों को दैनिक जीवन जीना भी मुश्किल हो गया। रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुओं को लेना भी परेशानी का सबब बन गया। वेतन नहीं मिलने के कारण दो दिन से सफाई कर्मचारियों ने काम पर जाना बंद कर दिया, जिसके चलते जगह जगह कचरे का ढेर लग गया। ऐसे में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे समय में जनप्रतिनिधियों को भी सामने आकर समस्या का हल निकालना चाहिए, पर ऐसा कुछ फिलहाल नहीं दिख रहा। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास कई बार वेतन के लिए विनती की जा चुकी है, पर अब तक कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया गया। माया भी कर रही है। हम लोग काम लेते हैं, हम लोग को झाड़ू भी नहीं मिल रहा, हमारा चप्पल जूता कुछ नहीं मिलता, साबुन मिलता था वो भी नहीं मिलता, ड्रेस नहीं मिल रहा, कुछ सब मिलता था पहले, अब हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। कम से कम सफाई के लिए कुछ हम लोग को झाड़ू नहीं दे रहा, हम लोग खुद खरीद रहे अपना, समझे। हम लोग का हर महीने पेमेंट नहीं मिल रहा, हर महीने हमको पेमेंट चाहिए हमारा, हम एक महीना भी दी है हम मना आपका पेमेंट चाहिए, हमको 10 तारीख का 10 तारीख हमारा पेमेंट चाहिए, बस हो गया। माया भाई कर लिया। आज हमारी जो ये सफाई की कार्य जो बंद हुई है, वो हमारे वेतन के विषयगत में है, जो कि हमारे 3 माह पूर्ण वेतन नहीं मिलने के कारण और हमारे घर में आर्थिक समस्याओं से हम सभी जितने भी हमारे जो सफाई कर्मचारी, हमारे माताएं, हमारे भाई बहन जो भी है, हमको इसका झेलना करना पड़ रहा है। और 3 माह से हमारी भुगतान नहीं होने के कारण हमारे घर की क्षतिपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हमें दुकानों में सामान लेने में गिल्टी फील होती है। और अब कहीं भी हम जाते हैं, हमको हमारे कभी किसी से भी आप पूछ के देख लीजिए, हमारे इतने भी भाई हैं, कर्ज इतना हो गया है कि हम सामान तो ले ही नहीं पाते। और यहाँ तनख्वाह के लिए आते हैं तो वही हमको आश्वासन दिया जाता है कि 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा, 2 हफ्ते में कर दिया जाएगा, कल दे देंगे, बस यही बोल के हमको टाल दिया जाता है। और ये अभी नहीं, हर साल यानी हमको जब तनख्वाह की जरूरत, ऐसा नहीं होता कि 10 तारीख के पहले तनख्वाह का भुगतान कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये हर महीने का यही चौचला रहता है यहाँ कि 2 महीने 3 महीने में हमको ये वेतन भुगतान किया जाता है, जिसके कारण हमें अपने घर की व्यवस्था में कमी पूर्ति होती है, परेशानियां होती है। मुंगेली जिला ब्यूरो, शील पाठक की रिपोर्ट।